ईद उल फितर एक इस्लामिक त्यौहार है। रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी में मनाया जाता है। रमज़ान के पवित्र महीने में मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं। ईद उल फितर की तारीख हर साल बदलती रहती है। नया चांद देखने के साथ ही ये त्यौहार मनाया जाता है। माहे रमज़ान में शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज़ कहा जाता है। इसका मतलब होता है जुम्मे की विदाई। मुसलमान समुदाय के लोग अलविदा जुम्मे को छोटी ईद भी कहते हैं। मस्जिदों में भी अलविदा जुम्मे के मौके पर विशेष नमाज अदा की जाती है। रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की ये अलविदा ये जुमा है। आज जुमा की अदायगी हम सारे लोगों ने मिलकर किया है और हमारे खतीब इमाम साहब ने आज सारे मुस्लिमों के लिए सारे लोगों के लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएँ की है। सारे मुल्क के लिए अमन शांति के लिए दुआएँ की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ये मुल्क हमारा मुल्क हमेशा हमेशा अमन शांति के दायरे में रहे और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए। अलविदा जुम्मा का मात तो थोड़ा बता दें। आज रमज़ानुल मुबारक का पांचवा जुम्मा है और रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुम्मा जिसे हम लोग अलविदा जुम्मा कहते हैं, यानी कि माहे रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो आखिर जुमा जो पड़ता है, लास्ट जुमा, इसे हम लोग अलविदाई जुमा बोलते हैं। और आज के दिन काफ़ी तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करने हाजिर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबीली मस्जिद में पूरे शहर धनबाद की समझ लें कि एक मरकज़ी मस्जिद जहां पे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करने हाजिर हुए हैं और हम लोगों ने नमाज जुमा अदा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ किया है कि हमारे मुल्क में अमन व सलामती आए। हमारा मुल्क बिलखसूस हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी से महफूज रहे, यही आज हम लोगों ने दुआ की।